क्वेश्चन uh, दो हजार तेरह का सवाल है क्वेश्चन यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ थ्री आई कैप प्लस जे कैप न्यूटन एक्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास टू के जी हेन्स द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजिशन टू आई कैप प्लस के कैप मीटर टू अपोजिशन ऑफ फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप द वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन दिस पार्टिकल विल भी हमें बताना है वर्क डन कितना होएगा हमारे ऑप्शन है छः जूल नौ जूल तेरह जूल या फिर पंद्रह जूल सिंपल सवाल है आपको बेसिक डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए सो so, हमें जो सबसे पहले लिख लेते हैं फोर्स जो दिया हुआ है फोर्स uh, की वैल्यू है यहाँ पे थ्री आई कैप प्लस जे कैप थ्री आई कैप प्लस जे कैप डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पार्टिकल का जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो है टू आई कैप इनिशियल डिस्प्लेसमेंट टू आई कैप प्लस के कैप और इसकी फाइनल पोजिशन जो है जो आपका डिस्प्लेसमेंट ओके फोर्स की वजह से डिस्प्लेस हुआ वो फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप इस जगह पर वो पार्टिकल पहुँच गया और अपने को मास टू के जी दिया हुआ है हालांकि सो सिंपल सा सवाल है इसके इसमें हम जो इनिशियल uh, पोजीशन से फाइनल पोजीशन माइनस करेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो आएगा आर वेक्टर लिख लेते हैं uh, वो है आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर सो इसमें से हमने इसको माइनस करना है तो इसमें से इसे माइनस करेंगे सो इट विल बी टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस टू के कैप यह आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गया सो वर्क डन जो है अपना दैट विल बी इक्वल टू एफ डॉट आर इन दोनों को हमने डॉट प्रोडक्ट करना है इसको और इसको सो so जब हम इसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे सो इट विल बी थ्री आई कैप प्लस जे कैप मल्टीप्लाइड बाई डॉट प्रोडक्ट टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप अगेन एक बार फिर डॉट uh, प्रोडक्ट के बारे में हमें पता है कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई आई जे जे और के के मल्टीप्लाई होते हैं आई डॉट के और जे डॉट के ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाती है बिकॉज आई और जे के बीच में एंगल नाइन्टी uh, डिग्री का होएगा ठीक है सो अपना जो वर्क डन है फाइनल आंसर वो आ गया आई so को आई से मल्टीप्लाई करें सो देट विल बी सिक्स जे को जे से मल्टीप्लाई करें दैट विल बी थ्री और प्लस ज़ीरो लिख लेते हैं K के लिए जीरो सो दिस विल बी इक्वल टू नाइन जूल सो अपना जो वर्क डन हो गया देट विल बी नाइट जूल बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर